समाजवादी पार्टी में चल रही उथल पुथल के बीच बागी नेता इरशाद खान ने विभिन्न मुद्दों को लेकर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को वो सलाह दे रहे हैं जिनके एक बूथ जीतने की हैसियत नहीं। साथ ही शिवपाल यादव के साथ पार्टी प्रमुख की चल रही नोकझोंक को लेकर उन्होंने कहा कि शिवपाल प्रदेश के बड़े नेता हैं, उन्हें यूपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, वो प्रदेश के विधायक बने घूम रहे हैं, पार्टी उनको पूछ नहीं रही। उन्होंने कहा कि नेताजी के बाद यूपी का सीएम शिवपाल यादव को होना चाहिए था, ये तो उनका दुर्भाग्य है कि वो प्रदेश के एक विधायक बने घूम रहे हैं और समाजवादी पार्टी उन्हें पूछती तक नहीं। वहीं शिवपाल के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि अखिलेश के चारों तरफ चंद सलाहकार हैं जिनकी एक बूथ जीतने की हैसियत नहीं है और वो पार्टी प्रमुख को सलाह दे रहे हैं। शिवपाल यादव जी पर आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग बीजेपी से मिले हुए हैं वो समाजवादी में नहीं हैं। जब आप पार्टी सदस्यों का सम्मान नहीं कर रहे, उन्हें किसी मीटिंग में नहीं बुला रहे, तो उनकी जहां इच्छा होगी वो वहां जाएंगे। आजम खान से जयंत चौधरी समेत कई नेताओं ने मुलाकात की लेकिन अखिलेश उनसे मिलने तक नहीं गए। इरशाद खान ने कहा कि रामपुर की पहचान ही उत्तर प्रदेश में आजम खान से है। उन्होंने कहा, मैं अखिलेश जी से कहूंगा कि बात अभी भी इतनी नहीं बिगड़ी है, वे अभी भी इसे बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन अगर उनके सलाहकार उन्हें सलाह दे नहीं रहे तो मैं क्या कर सकता हूं। यादव मुस्लिम गठजोड़ को लेकर खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जितना मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट दे सकता था उसने 2022 के विधानसभा चुनाव में दिया है, अब इससे ज्यादा हैसियत मुसलमान की वोट देने की बची नहीं। इतने वोट देने के बाद भी अखिलेश जी मुसलमानों की बात नहीं कर रहे। सीतापुर और दिल्ली के जहांगीरपुर में मुसलमानों के घर गिराए जाने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों को लेकर वो कुछ कह नहीं रहे, मुसलमान अब बेवकूफ बनकर उन्हें वोट नहीं देंगे। इरशाद खान ने इससे पहले अखिलेश यादव पर मुसलमानों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया था, नाराजगी जताई थी। इरशाद खान ने अखिलेश यादव की दीवार पर लगी तस्वीर को भी उतारकर जमीन पर रख दिया था। उन्होंने कहा कि पार्टी अखिलेश की बपौती नहीं है, पार्टी को मुलायम सिंह यादव और आजम खान ने बनाया है। इरशाद खान पहले ही कह चुके हैं कि आजम खान जेल में बंद है लेकिन अखिलेश यादव उनसे एक भी बार मिलने नहीं गए। मेदांता हॉस्पिटल गए तो उन्होंने कहा कि उनका पैसा उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के पास इतना पैसा है कि वो दे सकते हैं, अखिलेश यादव के पैसे की जरूरत नहीं है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।